आज दिल पे हाथ रख के ये कसम लें हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम लें हम सभी। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे। सेवा को आध्यात्म के साथ जोड़ के रखो। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश, पहले दुनिया के सारे सुख गगन में गर्व से गिर गिर गरज गरज कहती गठाएं हैं। नहीं होगा उजाला मगर, नहीं होगा उजाला फिर मगर, मगर चीर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले। पर युवा को क्या शक्तियां चाहिए ये हमें खुद को तय करना पड़ेगा। दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। सरकारों का काम है देश चलाना, लेकिन हम सनातनी लालच इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स अज्ञानता के चलते दूसरों से अपनी बातों का अनुमोदन के चक्कर में सच बोलने से डरने लगे। दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। जब तक आपका सीओसी नहीं होगा, एकल क्या है, एफटीएस क्या है, हमारे नगर संगठन को क्या करना है, आप कंफ्यूज हैं। सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। अपना है दिल ये आज का।
carry history through folklore. English education disrupted that. Therefore, we lost a lot of tribal history. Let's bring our ancient knowledge back, our ancient methods of education back. Let's give every citizen in this country, especially our tribal brothers and sisters, the pedestal that they deserve. सरकार हो जो भी आपको मेरा वोट तभी मिलेगा जब आप अपने मैनिफेस्टो में ये बात बताएंगे कि आप एक ऑनेस्ट तरीके से देश के इतिहास के पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों को बदलेंगे और ये आश्वासन हमें जब तक आप नहीं देंगे हम आपको वोट नहीं देंगे। संस्कारों की चौपाल सजाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद। किसी भी संस्था, समाज या संगठन को चिरंजीवी अगर रखना है तो उसमें लगातार युवाओं का आते रहना बहुत आवश्यक है। ये जो शिक्षा नीति बना है हमारा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पहली बार इस शिक्षा नीति के संदर्भ में एकदम पंचायत लेवल से लेकर ऊपर पार्लियामेंट मेंबर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब लोगों ने चर्चा करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। इसलिए हम सब लोगों को विश्वास के साथ कह सकते हैं पहला जो शिक्षा नीति में प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था, मुझे लगता है इस शिक्षा नीति में प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होगा। ये शिक्षा नीति 100% इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं कहती हूँ कि घर को ही गुरुकुल बना दीजिए या घर में ही गुरुकुल ले आइए। क्या आपको नहीं लगता कि 3 साल का बच्चा जो मदरसे जाता है उसे सारी आयतें याद होती है, तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को भी कम से कम गीता के 10 श्लोक तो आने चाहिए, कम से कम 1 श्लोक तो आना चाहिए, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि गीता है क्या, गीता में कितने श्लोक है, कितने अध्याय है। शिक्षा से संस्कृति और संस्कार नहीं आते, शिक्षक के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, ये उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से बताया। और संस्कार हमारे परिवार से ही हमें सबसे पहले मिलते हैं, ये भी उन्होंने बताया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पीपल ऑल्सो बिलीव कि अगर हम बच्चों को मारेंगे नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, वो दुनिया के साथ लड़ेंगे कैसे। तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनको मार के तोड़ा नहीं जाता है। अगर 100 बच्चों को मार पड़ी है तो 50 बच्चे नहीं 40 बच्चे शायद जाके सामने और मारेंगे दूसरों को, पर बाकी 60% बच्चे टूट जाते हैं अंदर से। Yeah.
विद्या दानम अतः परम, मतलब अन्न दान तो परम धर्म परम दान, लेकिन विद्या का जो दान है वो उससे भी मत परम है। क्यों? कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से इतनी बड़ी संख्या हमारे पास है, अगर हम इसको पूरी संख्या को चैनलाइज करें, एनर्जाइज करें, नोट टू थिंक इट कैन बिकम ए पावर हाउस। क्या सोचते हैं आप? यस और नो? हम एक पावर हाउस तैयार कर सकते हैं पूरे देश में, जो देश को एक दिशा देगा और देश को आगे बढ़ाएगा। हम विश्वगुरु की बात, विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। एकल विल टेक द लीड, एकल इतिहास बन सकता है। जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या? हमारे युवा ग्रामीण बच्चों में उनका आत्मविश्वास जगाकर उनके सपनों को साकार करना है, यही बात सामने निकलती है। और मैं अपने इस युवा टीम से यह आशा करता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि वे इस कार्य को संपन्न करेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। भारत हमारी मां है, जननी समान धरती, जिस पे जन्म लिया है, निज अन्न वायु जल से, जिसने बड़ा किया है जीवन, वो कैसा जीवन इस पे। छात्रों से पूछा, आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। सभी छात्रों ने हाथ खड़ा किया, केवल एक को छोड़कर। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, आप लोगों में से नर्क कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। कोई हाथ खड़ा नहीं। तो प्राचार्य महोदय ने उस विद्यार्थी को पूछा जिन्होंने पहले प्रश्न पर भी हाथ खड़ा नहीं किया, दूसरे प्रश्न पर भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो प्राचार्य ने कहा कि न तुम स्वर्ग जाने में हाथ खड़ा किए, न तुम नरक जाने वालों में हाथ खड़ा किए, तुम करना क्या चाहते हो? उस विद्यार्थी का उत्तर था, न मैं स्वर्ग जाने की आकांक्षा रखता हूं, ना मैं ही नरक जाना चाहता हूं, मैं तो स्वर्ग को ही धरती पर लाना चाहता हूं। आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला, सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके,
कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से राशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।